रिलायंस निप्पोन कंपनी पॉलिसी पर आर्थिक लाभ अपावाना बहाने विमा लोकपाल माथी बोलता हवानी खोटी ओळख आपी अलग अलग चार्ज भरावी लाखो पड़ावनार टोळकीने दिल्ली अने यूपी थी सूरत क्राइम ब्रांच टीमे झड़पी पाड़ी हती। सूरत साइबर क्राइम पास थी मळती माहिती मुजब रिलायंस निप्पोन कंपनीनी पॉलिसी पर आर्थिक लाभ आपवाना बहाने विमा लोकपाल माथी बोलता हवानी खोटी ओळख आपी सूरतना ईसम पास थी विविध चार्ज पेटी 28 लाख थी वधु पड़ावी ली। ठगायाचना टूल की विरुद्ध फरियाद नोंधाता ज साइबर क्राइम टीमे तपास हाथ धरी। आ टूलकीना बे आरोपी ने अगाउ सूरत क्राइम ब्रांचनी सूरत साइबर क्राइम टीमे झड़पी पड़ा था। जयरे अन्य साथीदारों जेमा यूपी मनोज कुमार विश्वकर्मा दिल्लीना सलाउद्दीन सिद्दीकी मूल यूपी हाल दिल्ली में रहते रामप्रसाद गौतम अजय कुमार ज्वाला सिंह रिजवान खान अने महिला खुशबू राधेश्याम तिवारी ने झड़पी पड़ा था। पुलिस आरोपी ना बैंक अकाउंट में 4,63,000 थी वधु फ्रीज कराया था। 19 अक्टूबर के रोज अमरेली से सूरत आ रही एक लग्जरी बस को अहमदाबाद ग्राम्य जिला के विस्तार में दो गाड़ियों में सवार अपराधियों ने रोका और इस लग्जरी बस में सवार आंगड़िया जो गुजरात में कुरियर कंपनीज के लिए शब्द प्रयुक्त होता है, कुरियर के सभी कर्मचारियों को इकट्ठा किया गया और उनके पास जो भी कीमती सामान था वो सभी अपराधियों ने लूटा और चार गाड़ियों में ये लोग सभी भागे। परंतु अहमदाबाद ग्राम्य पुलिस को जैसे ही ये समाचार मिला तात्कालिक उन्होंने नाकाबंदी सब आसपास के जिलों में कराई। अहमदाबाद ग्राम्य के साथ साथ आणंद जिला भी वहाँ से नज़दीक लगता है, दोनों पुलिस ने सुंदर संकलन करके इन आरोपियों को पकड़ा। करीब 2 करोड़ का मुद्दा माल भी जो अपराधियों को मिला था वो भी रिकवर किया गया। इस पूरी टोली का जो मुख्य आयोजक था, जो मास्टरमाइंड था, वो सूरत का एक व्यक्ति होने की इन्फॉर्मेशन मिली जिसका नाम है हीरेन धीरूभाई अकोलिया पटेल, उम्र वर्ष 35, धंधो हाल में रेती कमीशन नो काम करे छे और ये योगी चौक सरथाना सूरत में है, हाल में रहता है और कीतला तालुकाधारी अमरेली जिला का मूल निवासी है। उसको पीसीबी ने पकड़ा और उसकी इन्वेस्टिगेशन में, उसकी पूछपरछ में ये जानने को मिला कि जो ये अपना व्यवसाय करता था रेती का, उसमें इसको नुकसान हुआ जिसमें इसको पैसा 40 लाख रुपया देना था। उस कारण से इसने, इसका एक मित्र है राजू अठीला, उसके साथ मिलकर महाराष्ट्र नासिक के एरिया से जो अपराधी हैं उनके एक गैंग को बुलाया और सूरत में बुलाने के बाद इन्होंने ये आयोजन किया, प्लान किया और अहमदाबाद रूरल में ये घटना बनी। सूरत पुलिस के साइबर सेल को एक कंप्लेंट मिली थी और उस कंप्लेंट के अनुसार फरियादी को कहीं से फ़ोन आया और फ़ोन करने वाले ने उसको बताया कि आपकी जो रिलायंस निप्पोन कंपनी की इंश्योरेंस पॉलिसी है उस पर एक्स्ट्रा लाभ आपको दिलवा सकते हैं और उन्होंने बताया कि हम बीमा कंपनी लोकपाल से बोल रहे हैं और बीमा लोकपाल के कर्मचारी होने का भ्रम पैदा करके गलत अपनी पहचान दे के इन्होंने इस फरियादी के पास से अलग अलग चार्जेस के नाम पे 28 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम मंगाई उत्कर्ष बैंक के अकाउंट में। तात्कालिक ये पूरी जो क्रियाकलाप था आरोपियों का उसको स्टडी किया गया। उसके बाद एक महिला एएसआई हमारे साइबर सेल की, उनकी लीडरशिप में एक टीम को दिल्ली भेजा गया
और वहाँ से इस गैंग में शामिल सभी लोगों को पकड़ने में हमें सफलता मिली है। 11 अक्टूबर के रोज दो आरोपियों को पकड़ा गया था, जिनमें से एक का नाम है संतोष कुमार सन ऑफ रामराज बैजनाथ, यह शिव मंदिर के पास सलारपुर नोएडा का रहने वाला है, और दूसरा था श्यामवीर सन ऑफ ओम प्रकाश भीखा सिंह पाल, यह भी हाल में भागरथी विहार शिव मंदिर के पास दिल्ली में रहता है और मूल बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। उसके बाद इनके साथ गैंग में शामिल और लोगों के बारे में जब तपास की गई तो पता लगा कि 6 और आरोपी हैं। उनके नाम है, एक है मनोज कुमार सन ऑफ मिठूलाल, दूसरा सलाउद्दीन सन ऑफ अलाउद्दीन सिराजुद्दीन सिद्दीकी, तीसरा है राम प्रसाद सन ऑफ तेरासू बद्रीनाथ गौतम, चौथा है अजय कुमार सन ऑफ गोपीचंद ज्वाला सिंह, पांचवा मोहम्मद रिजवान सन ऑफ रईस मोहम्मद इलियास खान, और छठी है एक महिला आरोपी खुशबू डॉटर ऑफ राधेश्याम मिश्रा। इन लोगों ने मिलके इस तरह का साइबर क्राइम को अंजाम दिया। इन लोगों के पास से इनके अलग अलग बैंक अकाउंटों में 4,63,000 रुपये का रकम पुलिस ने फ्रीज करा दी है। इसकी जो इन्वेस्टिगेशन की गई उसमें जानने को मिला कि इसने और राजू वठीला ने बाहर महाराष्ट्र से जो गैंग बुलाया था उनके साथ मिलकर आयोजन किया गया, क्योंकि ये पहले रामदेव ट्रैवल्स के साथ काम करता था, उसके पास ये इन्फॉर्मेशन थी कि इस लग्जरी बस में जो इस वक्त आती है अमरेली से सूरत, उसमें कुरियर कंपनी के कर्मचारी होते हैं जिनके पास काफ़ी कीमती डायमंड और रोकड़ रकम होती है। इस तरीके से इन्होंने इस गुनाह को अंजाम दिया, और सभी पुलिस यूनिट्स का, गुजरात पुलिस का संकलन कितना अच्छा है उसके आधार पे सभी गुनहगारों को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है, और मास्टरमाइंड जो है उसको भी सूरत से पकड़ने में सफलता मिली है। मुझे पूरा विश्वास है कि दिवाली और इसके बाद भी नागरिक सभी शांति से अपना व्यापार धंधा कर सकें, उनका विश्वास भी पुलिस में बढ़ेगा और पुलिस का भी मोराल इससे ऊँचा होगा। पुलिस के संकलन की ये एक अच्छी मिसाल है। धन्यवाद। सर, जो लुटेरे थे जिस तरह से लूट को अंजाम दिया था, क्या उसमें कोई हथियार का उपयोग किया? ये सफलता जो कि पुलिस को मिली है, लेकिन एक बार फिर से हम सभी नागरिकों को ये संदेश देना चाहते हैं कि इस तरह की कोई भी फोन करके आपको ललचाने वाली ऑफर करे तो उसको ठीक तरीके से कंपनी से संपर्क करके सुनिश्चित किए बिना किसी को कोई पैसा ना दें। लोग लोभ में आते हैं और लोभ का दुरुपयोग करने वाले काफ़ी साइबर क्रिमिनल्स इस वक्त पूरी दुनिया में एक्टिव हैं, उसी तरह भारत में भी हैं। ये एक अच्छी सफलता है, क्योंकि दिल्ली से जाके इतने दूर से जाके 6 तोहमतदारों को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। धन्यवाद। हाल तो ऑनलाइन ठगाया चनाराओथी सावधान रहवा पुलिस वारंवार शहरीजनों ने करी छे, जो के एम छता आवा ठगनी बात में आवी लोग लाखों रुपया गुमावरिया हता। धीरज सुमरा, हिंदी न्यूज, सूरत।